हाँ जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से पे ना बहुत सारे बच्चों का डाउट्स भी था और डाउट्स ये था, ये क्वेश्चन सर करवा दीजिए क्योंकि बाकी स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस में कुछ अलग तरीके से किया गया है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। और ये हमारी क्लास का आज मैंने कहा ना दो ही क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना बैठे। अगर क्वेश्चन बुक ले लोगे, लिखा है एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2009 इन सर्टेन इक्विटी शेयर्स एज बिलो। ठीक है भाई, आप इन्वेस्ट कर चुके हो, कब इन्वेस्ट कर चुके हो, 1 अप्रैल 2009 में इन्वेस्ट कर चुके हो। दो कंपनी है, एम लिमिटेड एन लिमिटेड, कितने शेयर्स खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 1500, 100 रुपये के 10 के 1 है, 200,000 रुपये के यहाँ शेयर खरीद चुके हो और यहाँ 150,000 रुपये के आपने शेयर खरीद चुके हो। ठीक है, इन सेप्टेम्बर 2009, अप्रैल 2009 को आपने शेयर खरीदा और बोले ठीक 6 महीने बाद सेप्टेम्बर 2009 10% डिविडेंड वाज पेड आउट बाय एम लिमिटेड। इन भाई साहब ने एम लिमिटेड में कितना परसेंट डिविडेंड दिया गया, बोले 10% डिविडेंड यहां से मिला, 10% डिविडेंड। ठीक है, फेस वैल्यू पे मिलता है डिविडेंड, याद रखना। इन अक्टूबर 2009 30% डिविडेंड पेड आउट बाय एन लिमिटेड, और एन लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया, 30% एन लिमिटेड ने डिविडेंड दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ऑन 31 मार्च 2010 मार्केट कोटेशन शो अ वैल्यू ऑफ, एक साल बाद मार्केट कोटेशन शो अ वैल्यू ऑफ ₹220 एंड 290 पर शेयर फॉर एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2010 इन्वेस्टमेंट एडवाइज, ओहो सुनो ध्यान से भाई, यही समझाना पड़ेगा कि यस, क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर लूँ क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सुनो बेटे, यहां तक हो जाएगा ना, यस। आज की डेट कौन सी है सर, आज की डेट है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009, और आपने शेयर कौन कौन सी कंपनी के खरीदा है, एम लिमिटेड और कौन सी कंपनी के, एन लिमिटेड के खरीद चुके हो। ठीक है, कितने शेयर्स खरीदे, 200,000 रुपए के, कितने शेयर्स 1000, तो अगर मैं देखूं एक शेयर कितने का पड़ा, 200,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 200 रुपए का एक शेयर पड़ा, 1000 शेयर 200 रुपए के हिसाब से आपने खरीदा, और ये 150,000 डिवाइडेड बाय 500 शेयर खरीदा, 300, 500 शेयर कितने कॉस्ट, 300 के हिसाब से पड़ा। हालांकि बेटे इसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए, और इसका फेस वैल्यू कितना, 10 रुपए। ये कब की बात है, 1 अप्रैल 2009, तो ख़त्म कब होगा, ये ईयर की बात करूँ तो ईयर यहाँ ख़त्म होगा, डेट कौन सी रहेगी, 31 मार्च 2010। लेकिन बोले बीच में कुछ हुआ, बोले क्या हुआ, बोले डिविडेंड मिला, चलो भाई क्या हो रहा है, डिविडेंड चाहे सितंबर चाहे अक्टूबर में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वैसे भी पोर्टफोलियो में है नहीं है, यहाँ चलेगा नहीं। सितंबर में डिविडेंड कितना मिला, एम लिमिटेड ने कितना दिया, 10%, और एन लिमिटेड कितना दे रहा सर, 30%। पैड लिखा है, पैड का मतलब मिलेगा नहीं, मिल चुका, बोले हमने खरीदा था 1 अप्रैल को शेयर्स इतना, हमको डिविडेंड मिला इतना, ठीक है भाई, और बोले 31 मार्च को 2010 को मार्केट में शेयर का प्राइस, एम लिमिटेड के शेयर का प्राइस, एम लिमिटेड के शेयर का प्राइस कितना हो गया, 220, और एन लिमिटेड के शेयर का प्राइस कितना हो गया, 290। ठीक है, क्या
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए एम लिमिटेड के शेयर्स पे कितने की कमाई हुई, आराम से बता दोगे। फॉर्मूला है हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं, आप उसको एनुअल रिटर्न बोलो। चेंज इन प्राइस प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इनटू 100, यही तो रिटर्न है। अगर रिटर्न को की बात बोलो तो मैं दोनों का रिटर्न निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आगे क्वेश्चन में दिक्कत है। 1 अप्रैल 2010, मतलब सर यहीं की बात हो रही है। हाँ 31 मार्च बोलो, 1 अप्रैल। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिकेट, इंडिकेट मतलब क्या है? मतलब है कि आप कहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो बीच में, ये हो चुका है और ये होने वाला है। इट मीन्स आने वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड। और ये क्या है? ये हो चुका है, मतलब यहाँ अगर कोई इधर का रिटर्न बोले तो एक्सपेक्ट रिटर्न नहीं होगा, ये रिटर्न कहलाएगा। लेकिन इधर का जो रिटर्न होगा इंडिकेट है, मतलब अब इधर का अगर कोई रिटर्न निकालने को बोले वो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा। इधर कोई डेविएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हो चुका है। डेविएशन कब आएगा? जो होने वाला है उसके लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगता है, ये तो हमको पोर्टफोलियो में अच्छे से पता है। तो बोला 1 अप्रैल 2010 को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इंडिकेट दैट डिविडेंड फ्रॉम एम लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, इनको लग रहा है कि डिविडेंड मिलेगा। और कब मिलेगा? बोले कब का छोड़ो, इस पीरियड के लिए मिलेगा, फॉर द ईयर एंडेड 3rd, मतलब इस पीरियड के लिए डिविडेंड मिलेगा। कौन सी डेट ले लेते? 31 मार्च 2011। डिविडेंड कब मिलेगा ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ पर इस पीरियड के लिए कब मिलेगा, ठीक है कि कितना मिलेगा? बोले एम लिमिटेड के लिए कितना परसेंट मिलेगा? 20%, ठीक है। और एन लिमिटेड का कितना मिलेगा डिविडेंड? 35%, ठीक है भाई। और बताइए, और ये भी बता दो कि यहाँ शेयर का प्राइस कितना होगा। बोले ये नहीं मालूम। दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट कोटेशन ऑन 31 मार्च 2011, बोले शेयर का प्राइस एम लिमिटेड एन लिमिटेड 220 भी हो सकता, 250 भी, 280 भी। और प्रोबेबिलिटी दिया तो क्या एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल सकते हो? यस। क्या मल्टीप्लाई करके? यस। 220 इंटू 0.2 एम प्लस, तो एक्सपेक्टेड प्राइस ये है 253 रुपये। कैसे निकला होगा? आप समझदार हो भाई, इतना तो मैं नहीं समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया। और एन लिमिटेड के शेयर का प्राइस क्या हो सकता है? यहां कितना हो सकता? 312 रुपये, ठीक है। कोई समस्या की? कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल सिंपल हो गया। अच्छा अब देखो कि क्या मांग क्या रहा है सर, ये बता दो। यू आर रिक्वायर्ड टू, बस यही चाहिए था। कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। यहाँ का रिटर्न मांग रहा है और फिर से बोलो उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न नाम नहीं दिया, उसने क्या दिया? एवरेज रिटर्न। पर किसका रिटर्न? बोले पोर्टफोलियो का रिटर्न बताइए, पोर्टफोलियो का। उसने ये नहीं बोला कि एम लिमिटेड का रिटर्न बताइए, उसने ये भी नहीं बोला एन लिमिटेड, इंडिविजुअल नहीं बोले, पोर्टफोलियो का रिटर्न। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न तो इजी है। दूसरा क्या बोल रहा? कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बोला तो पक्का इस साल का बोला होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका निकालना है? पोर्टफोलियो का। कब का? 10/11 का, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और इधर का एवरेज रिटर्न निकालना है, ओके। एडवाइस एक्स कंपनी लिमिटेड ऑफ द कंपैरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। सोच इन ईच केस, सॉरी ईच केस क्या और स्टैंडर्ड डेविएशन सोच के बताओ, किस साल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना पड़ेगा? सर पिछला सवाल ही पैदा नहीं होता। कब का निकालना पड़ेगा? आगे, क्योंकि आगे ही तो दिक्कत है हमको, यही तो नहीं मालूम। हमें ये मानना है 220 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो तब निकाला जाता है ना, तब हमको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस साल के रिटर्न का निकलेगा। यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर, क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब करना कैसे? हम्म,
अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं आपको कॉमन सेंस से निकालना सिखा दूं, पर कॉमन सेंस तो एग्जाम में चलेगा नहीं। प्रेजेंटेशन कैसा? प्रेजेंटेशन भी दो तरीके हैं, एक है मेरा प्रेजेंटेशन और एक है ICAI का प्रेजेंटेशन। तो सर मैं दोनों ही तरीके से सिखाऊंगा भाई, धीरे पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, टेंशन ही खत्म। भाई दोबारा जब क्वेश्चन आए तो यार हमको पता है कि हमको कैसे करना, वो ज़्यादा अच्छा है। जल्दबाजी के चक्कर में सब गलतियाँ होती हैं। ठीक है सर, तो पहले आप बताओ कि आप क्या करते, अगर मैं होता तो क्या करता, क्या मांगा है उसने? पोर्टफोलियो का रिटर्न मांगा है। सुनना ध्यान से बेटे, ध्यान से। मेरा मेथड, हालांकि मैं इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा, समझाऊंगा, रफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या फॉलो करना, मुझे प्रैक्टिस मैनुअल ही फॉलो करना। ये बताओ सर, पोर्टफोलियो में पैसा कितना लगाया था आपने? कॉस्ट सर, एक तो हमारा 2 लाख रुपए लगा था, बिल्कुल सही, बुक है ना आपके पास, चेक करो। और एक हमारा कितना लगा था, 1.5 लाख रुपए लगा था, तो उस हिसाब से हमारा कितना लगा था, 3,50,000 रुपए लगा था, बिल्कुल सही बात करता। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, 9-10। कितना रुपए लगा था सर आपका? 3.5 लाख रुपए लगा था। गुड, डिविडेंड भी तो मिला, हाँ कितना मिला, 10%। तो डिविडेंड का अमाउंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1000 इंटू शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100, और उस पर डिविडेंड कितना परसेंट, 10%। तो बताओ 1000 × 100 मतलब सर डिविडेंड मिल रहा है 10,000, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 500, और सुनो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये, यहाँ गलती मत कर देना भाई, और सर डिविडेंड कितना मिल रहा है, 30%। तो 500 × 10 × 30% 1500 रुपये ये डिविडेंड। तो सर टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है, 11,500। ये मेरी डिविडेंड की कमाई हो गई, कितना पैसा लगाया था, 3.5 लाख डिविडेंड की कमाई हो गई यार। और 31 मार्च को रेट कितना हो गया, मैं इस साल का रिटर्न की बात कर रहा हूँ, 220। तो सर 1000 × 220 सही है, और सर 500 शेयर × 290 क्या ये सही है? बिल्कुल सही, 1000 × 220 तो 220,000, और 500 × 290 1,45,000। तो मेरा पोर्टफोलियो कितने का हो गया, 3,65,000। बस खत्म, बस पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। बोलो बेटे आपने पोर्टफोलियो में कितना पैसा लगाया था, 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए लगा के आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 3,65,000। दिस इज चेंज इन प्राइस। बोलो कितना बढ़ गया पोर्टफोलियो सर, 15,000 से बढ़ गया, 15,000 से ये बड़ा बड़ा, और डिविडेंड बिल तो मिल गया 11,500। तो अगर मैं बोलूँ पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालोगे, 3,65,000 माइनस 3,50,000 एग्री, प्लस 11,500 किस चीज़ का, डिविडेंड, और बेस क्या लेंगे, जितना पैसा लगाया था 3,50,000, एक्सपेक्ट रिटर्न निकालना × 100, चेक करो कितना आ रहा, 3,65,000 माइनस 3,50,000 प्लस 11,500 डिवाइडेड बाय 3,50,000 × 100, तो आंसर आ गया 7.57%। ये क्या निकला, ये निकला पोर्टफोलियो का रिटर्न। ऐसे ही हम एक्सपेक्ट रिटर्न भी निकाल सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्या, कौन सा प्रेजेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा, मुझे प्रेजेंटेशन किसके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मैनुअल। तो सर ये नहीं चलेगा कि सर जी नहीं चलेगा, ऐसे में नहीं करूँगा। ठीक, अभी मैंने कहा था मैं इसको रफ कर दूंगा, बिल्कुल। बाकी तो ये हमारी पोर्टफोलियो की पहली क्लास में हम सीखते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न पहली क्लास में सीखा हुआ है हमारा। ओके सर, तो सर रफ कर दीजिए। यस, अब मैं किसके जैसे काम करूँगा, मैं 7.57% याद रखिएगा। अब देखो बेटे है क्या, 100 ये जो डिविडेंड मिलेगा, एक शेयर पे निकालो चाहे टोटल 10 शेयर पे निकालो, रिटर्न तो एक ही होगा। बताओ 100 रुपये का एक फेस वैल्यू कितना, 100 रुपये, तो डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा, 10 रुपये,
और फेस वैल्यू यहाँ कितना है 10 रुपये, तो 10 का 30% यहाँ डिविडेंड का अमाउंट कितना हो गया 3 रुपीज़। अब ICAI ने जो किया वैसे मैं करवा रहा हूँ। अगला पेज ले लूँ क्या? हाँ सर अगला पेज ले लेते। तो चलो जी, अब ICAI मतलब प्रेजेंटेशन आपको ऐसी ही करनी पड़ेगी। तो लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 ही है क्या, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिटर्न, अब पोर्टफोलियो ईयर कौन सा ले लेंगे सर? सर ये फॉर द ईयर एंडेड मतलब 2009-10 ऐसा ले लूँ ना सीधा। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे हुआ, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस प्लस इनकम्स डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इनटू 100। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी बात कर ले, सबसे पहले एम लिमिटेड की। एम लिमिटेड सोचो बेटे सोचो, कुछ है नहीं यहाँ। एम लिमिटेड की शेयर यहाँ नहीं आ रही, इस साल का चाहिए 220 और यहाँ कितना था 200। 220 माइनस 200 ये है लास्ट का प्राइस, पहले था 200 अब कितना हो गया 220। तो 220 माइनस 200 डिविडेंड की कमाई कितनी है 10 डिवाइडेड बाय बेस तो पहले वाला लेना पड़ेगा इनटू 100। ठीक ऐसे ही किसका लेना पड़ेगा एन लिमिटेड। बताओ बेटे आज प्राइस क्या हो गया 290, पहले कितना था 300, तो लॉस है यार ये तो दिख रहा है 290 माइनस 300 और डिविडेंड का कितना रुपए 3 रुपए डिविडेंड का डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। ये किस किस के जैसे कर रहा हूँ बेटे, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मैं पीएम को फॉलो कर रहा हूँ। 30 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 तो ये आ गया 15%। 10 माइनस में प्लस 3 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 तो ये आ गया है माइनस 2.33%। अब किसका निकालना, पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न, और पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकलेगा, पोर्टफोलियो रिटर्न 15% कितने पे कमाई हो रही है बेटे, कितना कितना पैसा लगा था, वेटेड एवरेज है। इनका कितना पैसा लगा 2 लाख और यहाँ कितना पैसा लगा 1.5 लाख। 2 लाख पे कितने की कमाई है 15% और 1.5 लाख पे कमाई नहीं है लॉस है। तो वेटेड एवरेज तो बचपन से आता है ना हम लोगों को। ओके सर 2 लाख पे 15% की कमाई प्लस 1.5 लाख रुपए पे माइनस 2.33% और डिवाइडेड बाय 3.5 लाख देखते 7.57 आना चाहिए।
2,00,000 × 15 m + 1,50,000 × 2.33 m + MRC / 3,50,000 7.57% उतना ही आएगा। ये लीजिए, ये आपका कौन सा पॉइंट खत्म हुआ, फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर 2010-11। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब अब उसने यहाँ का पूछा रिटर्न, तो वो भी निकाल सकते हो, बता सकते हो पहले एम लिमिटेड का डिविडेंड। सर इसका डिविडेंड होगा 20 रुपये, रुपीज में 20 रुपये, और सर इसका डिविडेंड 35%, मतलब सर 10 रुपये का शेयर है ना, 3 रुपये 50 पैसे। क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो? यस, 253 - 220 + 20 / 220, 312 - 290 + 3.5 / 290। सीधी सी बात है, चेंज इन वही फॉर्मूला लगेगा यार, तो पॉइंट नंबर बी भी आराम से हो जाएगा कि यस, जो खेल है वो पॉइंट नंबर सी पे है, और उसी पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो ठीक है सर, तो हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर बी। बी, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो और ये 2010-11 का चाहिए। ठीक है, फिर से वैसे ही कर ले क्या? यस, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है दोबारा? नहीं, एम लिमिटेड चेंज इन प्राइस, बता सकते हो कितना प्राइस हो गया 253, और पहले कितना था 220, डिविडेंड कितना है 253। +20 बेस 220, ये तो हमको आता है, × 100। ऐसे किसका कर लेते हैं, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड के शेयर का प्राइस कितना होगा, 290, 312 - 290, 312 - 290 + 3.5 / 290 × 100, 253 - 220 + 20 / 220 × 100, तो ये आ गया 224.09%। और 312 - 290 + 3.5 / 290 × 100, 8.79%। पोर्टफोलियो रिटर्न निकल ही सकता फिर तो, अब सुनना बेटे ध्यान से एक बात, अब यहां वैल्यू देखो कि एम लिमिटेड में कितना, 220, मतलब 1,000 × 220 देखा जाए तो एम लिमिटेड का यहां कितना पैसा लगा है, 2,20,000, ये वाला रेट देखना पड़ेगा, 290 × 500, और यहां कितना है, 1,45,000 शेयर्स लगे, ये वाला वेट लेना पड़ेगा क्योंकि यहां आ गया, तो इसके लिए ये वाला वेट आएगा, 2,20,000 पे इस साल कितना कमा रहा है और 1,45,000 पे कितना कमा रहा है, तो 2,20,000 पे कितना कमा रहे हैं आप? सर 2,20,000 पे इस साल हम कमाएंगे 24.09 + 1,45,000 पे हम कमाएंगे 8.79, और दोनों का टोटल मान लो, टोटल हमारा पोर्टफोलियो है 365,000,
इंटू 100 कर लीजिए तो एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। इतना कैसे आ गया 2,20,000 इंटू 24.09 1,45,000 इंटू 8.79 डिवाइडेड बाय 3,65,000 तो ये आ गया हमारा 18.011 तो 0.1% पोर्टफोलियो के। पॉइंट नंबर बी में भी दिक्कत नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो किस में है, पॉइंट नंबर सी। अब देखो सी का ही खेल है। सी में बोल रहा है एडवाइज एक्स कंपनी लिमिटेड फॉर द कंपैरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, सवाल बस इतना सा, ये आपके पास क्वेश्चन है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या इस साल का निकालना है? यस, स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसी साल का निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो अलग अलग टाइप का रिटर्न चाहिए। हाँ, शेयर का प्राइस 220 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, या शेयर का प्राइस 290 हो सकता है, 310 हो सकता है, 330 भी हो सकता है। ये किसकी बात हो रही है, ये एन लिमिटेड और एम लिमिटेड, और इसके बेसिस पे रिटर्न निकालकर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ चाहिए। वैसे अगर मैं करता तो मैं कैसे करता, मैं वो भी समझा देता हूँ, पर पहले मैं वो करवा दूँ जो प्रैक्टिस मैनुअल ने किया। प्रैक्टिस मैनुअल ने क्या कर रखा है वो भी सही है, पर उतना दिमाग चलता ही नहीं सर, उतना दिमाग नहीं चला पाते। पर प्लीज़ मुझे PM के हिसाब से करवा दीजिए, ICAI के हिसाब से। अब सुनना ध्यान से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो आज शेयर का प्राइस कितना है, सबसे पहले मैं बात किसकी कर लूँ, एम लिमिटेड। उनका ये कहना है 220 है आज शेयर का प्राइस, या तो शेयर का प्राइस कितना हो सकता है 220 हो सकता है, या तो कितना हो सकता है 250 हो सकता है, या तो कितना हो सकता है 280 हो सकता है। इट मीन्स रिटर्न अगर मैं रुपीज में निकालूं तो 0.2 प्रोबेबिलिटी, 0.5 प्रोबेबिलिटी और 0.3 प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल ध्यान से देखना कि PM ने क्या कर रखा। उनका ये कहना कि इनकम कितनी हो सकती है, बोले अगर शेयर का प्राइस 220 था और यहाँ भी एंड में भी 220 ही है तो प्राइस तो बढ़ा ही नहीं, बस जो कमाई हुई वो डिविडेंड की हुई और डिविडेंड की कमाई कितनी हो गई 20 रुपए। बोले लेकिन अगर शेयर का प्राइस 250 होता तो 30 रुपए तो ये कमाई होती, 220 से 250 30 रुपए की कमाई ये और 20 रुपए डिविडेंड, मतलब कमाई कितने की हो जाती, 50 रुपए की कमाई हो जाती रिटर्न। बोले 220 से अगर 280 होता तो 60 रुपए तो प्राइस बढ़ने से और 20 रुपए, 60 और 20 कितना हो गया 80 रुपए। इसका मतलब यह है कि अगर हम एम लिमिटेड में पैसा लगाते हैं तो रिटर्न रुपीस में 20 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है और 80 रुपए भी हो सकता है। 20 रुपए होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, 50 की 0.5, 80 की 0.3, तो क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल सकता इन रुपीस, यस, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल सकता तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल सकता है, यस। ऐसे ही किसका किया उन्होंने एन लिमिटेड। यहां प्राइस कितना 290, कितना हो सकता 290, तो जो डिविडेंड मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा 3 रुपए 50 पैसे। लेकिन अगर 310 होता तो 310 माइनस 290 प्लस 3 रुपए 50 पैसे तो 23.50, और 330 माइनस 290 प्लस 3.5 43.50। और फिर इसको बेस लेकर उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और कहा क्यों स्टैंडर्ड एविएशन जिसमें ज्यादा वो ज्यादा रिस्की है, बस ये बता दिया। ये किसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, PM के हिसाब से। हालांकि आंसर दोनों ही है, पर अगर मैं PM नहीं देखा होता तो सर आप कैसे करते, वो भी मैं समझा दूंगा, पर पहले मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर दूं PM के हिसाब से, यस। तो चलो काम क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर सी क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि
कंपैरेटिव आप बताइए कि कौन सा ज्यादा रिस्क है। एडवाइस एक्स कंपनी लिमिटेड ऑफ द कंपैरेटिव रिस्क इनटू इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ठीक है सर, पहले वही काम कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, तो कॉलम तो पता है, पहला कौन सा आएगा, तीन प्रोबेबिलिटी है, तो पहला हो जाएगा पी, फिर एक्स, फिर वाई, फिर पी एक्स, फिर पी वाई, फिर एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी वगैरह। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लें क्या। यस सर, पहला आ जाएगा पी एक्स वाई, दोनों का कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या जाएगा पी एक्स और यहाँ क्या जाएगा पी वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी तो लिखा हुआ, अलग अलग प्रोबेबिलिटी तो नहीं है भाई, नहीं एक ही है, थैंक गॉड। प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.5 और 0.3। ठीक है, एक बार वो देखना पड़ेगा आपको कितना कमाई है, 20, 50, 80। पहले में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जरा दूसरा देखते हैं, 3.5, 23.5, 43.5. ठीक है, PX कर ले, 20 × 0.2 = 4, 15 × 0.5 = 25 और 18 × 0.3 = 24, 3.5 × 0.2 = 11.75, 43.5 × 0.3 = 13.05। ठीक है जी सर, एक्स बार और वाई बार आ गया, एक्स बार 4 + 25 + 24, 53 रुपीस है, 0.7 + 11.75, 0.7 + 13.05, वाई बार 25.5। अब x माइनस एक्स बार, 20 - 53, तो सर ये आ गया -33, 50 = -3, 80 = 27, 3.5 - 25.50 - 22, 2 33 × = 0.2, 217.8 × = 0.5, 4.5, 27 × = 0.3, 218.70, 22 × = 0.2, 96.8
टू इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट फाइव टू और 18 इंटू इक्वल टू इंटू पॉइंट थ्री 97.2 जोड़ लेते हैं 217.8 प्लस 4.5 प्लस 218.7 तो ये सर आ गया 441% स्क्वायर 96.8 प्लस 2 प्लस 97.20 196 अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बोलूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 441 स्क्वायर रूट 21 और 21 रुपीस अच्छे से कर लेता हूँ यार तो यहाँ जाएगा 441 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 196 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू रुपीज 21 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू रुपीज 14 अगर इस हिसाब से देखो कि इस हिसाब से तो कौन सा ज्यादा रिस्की है एक्स एक्स का मतलब क्या होगा एक्स का मतलब यहां क्या हो जाएगा एक्स का मतलब एम लिमिटेड ज्यादा रिस्की कहलाएगा पर यार इतना दिमाग कैसे चलेगा यार या तो ये क्वेश्चन पहले से देखा हुआ होना तभी होगा नहीं तो फिर कैसे होगा अब मेरी बात यहाँ हो गया ये किसके हिसाब से किया मैंने ये मैंने पीएम के हिसाब से क्वेश्चन ख़त्म हो गया है कौन सा ज़्यादा रिस्की है स्टॉक एक्स ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है पर अब सुनो मिठे मेरी बात समझने की कोशिश करना आराम से मैं जो बोलना चाह रहा सर सिर्फ पॉइंट नंबर सी पे अटके हुए हैं कि यस और इसी पे इतनी टाइम लग जाने दो पर आराम से मेरी बात सुनो मैं कहता हूँ कि पॉइंट नंबर ए वन और टू में दिक्कत नहीं है पॉइंट नंबर थ्री में दिक्कत है और थ्री में मुझे कैसे समझ में आएगा कि रुपीस में काम करना अगर मैं होता तो मैं कैसे करता अगर मैं होता तो मैं इस तरह से काम नहीं करता मैं रिटर्न निकालता ज़रूर उसने रिटर्न निकाला मैं भी रिटर्न निकालता पर क्योंकि सारे क्वेश्चन जब से हम किए जा रहे हैं हम परसेंटेज में ही काम कर रहे हैं तो इसको भी मैं परसेंटेज में रिटर्न निकालता सर कैसे निकालते 220 माइनस 220 तो बताओ बेटे कितना आ गया है जीरो तो क्या 20 रुपए की कमाई हो रही है सिर्फ डिविडेंड की कितने पे 220 पे 220 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100 तो यहां आ जाता रिटर्न 9.09% तो पहले परसेंटेज में निकालता सर 250 माइनस 220 30 रुपए की ये कमाई प्लस 20 रुपए डिविडेंड के डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100 सर इसका मतलब जो आप रिटर्न निकाल रहे थे यस जो मैं रिटर्न निकाल रहा था मैं हर एक सिनारियो में रिटर्न निकालता तो यह था 22.73% रफली ठीक और फिर क्या होता 220 और 280 मतलब 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100 तो ये आ जाता 36.36% रिटर्न ठीक ऐसे ही मैं किसका निकालता एन लिमिटेड का इसका मतलब सर इस साल रिटर्न 9.09 भी हो सकता है 22.73% भी हो सकता है 36.36% भी हो सकता है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे प्रोबेबिलिटी से तो क्या इस साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा हाँ इसका मतलब सर जो पॉइंट नंबर टू में निकाला है वही वाला रिटर्न निकलेगा हाँ जरा देखो मल्टीप्लाई करके देखो प्रोबेबिलिटी से 9.09 इंटू पॉइंट टू एम प्लस 22.73 इंटू पॉइंट फाइव एम प्लस और 36.36 इंटू पॉइंट थ्री एम प्लस एम आर सी 24.09 चेक करो अच्छे से आपको मिल जाएगा 24.09 कहाँ गए भाई ये देखो 24.09 सिंपल है 10-11 का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है क्या यार बचपन से पढ़ हम पहली क्लास से ये पढ़ रहे कि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा तो अगर सर आप ऐसा करते तो दोनों ही पॉइंट कवर हो जाते हैं हाँ एक बार और देख लेते हैं एन लिमिटेड का देखें क्या
यस, कैसे करोगे? 290 मतलब कुछ की कमाई नहीं है, ₹3.50 डिवाइडेड बाय इनटू 100, तो ये आ गया 1.21%। 310 माइनस 290 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 290 8.10%। 330 माइनस 290 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 290 इनटू 100 15%। अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपको ये परसेंटेज में निकाल कर दे दिया तो क्या आप एक्सपेक्ट रिटर्न निकाल लोगे? यस। क्या आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे? यस। बात खत्म। क्यों रुपीज में करते हैं? सर करके देख लें कि ये भी आओ, नेक काम में देरी नहीं करेंगे। इसी टेबल में बना लिए क्या? यस, इसी में कर रहा हूँ मैं। पॉइंट टू, पॉइंट फाइव, पॉइंट थ्री, एक्स कितना है रिटर्न चेक करो, 9.09, 22.73 और 36.36। मैं इसी का समझा दे रहा हूँ, वाई का आप कर लीजिएगा। हालांकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं परसेंटेज में क्या यही आंसर आएगा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्स का कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या एक्स पी एक्स हो जाएगा? यस, 9.09 इंटू 0.2, तो ये हो गया पी एक्स 1.82, 22.73 इंटू 0.5 11.36, 36.36 इंटू 0.3 10.91, टोटल मारो 1.82 प्लस 11.36 प्लस 10.91, तो ये आ गया 24.09। यही आना था। अब ये क्या हो जाएगा अपना पी एक्स, तो क्या ये क्या निकल गया अपना एक्स बार, तो अब क्या करेंगे यार, एक्स माइनस एक्स बार कर लेता हूँ मैं। एक्स क्या ये 9.09 माइनस 24.09 15 22.73, 1.36 माइनस में 36.36, 12.27, एक्स माइनस एक्स बार आ गया। तो अब ये वाला भी कॉलम पूरा कर लेते हैं, 15 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 45, 1.36 इंटू इक्वल टू इंटू 0.5 0.92, 12.27 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3 45.16, सबको जोड़ दो प्लस 0.92 प्लस 45, तो ये आ गया 91.08। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट कर दो, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 9.54%। अब सुनो बेटे, सुनो आखिरी कहानी बस, ये किस में है? परसेंटेज में। और ये किस में है? सर ये है रुपीस में। तो क्या इसको परसेंटेज में बना सकते हो? यस, 21 डिवाइडेड बाय, बता सकते हो शेयर का प्राइस कितना था? सर 290 था शायद, याद नहीं है, 220 इंटू 100, 21 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, तो आंसर कितना जाएगा 9.54%। क्या एक ही बात है? यस। मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, ये किस में निकाला गया? ये रुपीस में निकाला गया। ये किस में निकाला गया? परसेंटेज में। सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखते नहीं, हमारा दिमाग कैसे चलता? दिमाग तो सर चलता ही नहीं रुपीस में निकालने का, सीधी सी बात है। मैं तो ऐसे ही निकालता परसेंटेज में और वो सही होता। पर चूंकि ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपका, देखा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो सर साफ सीधी बात बोल रहा हूँ, इस तरह से काम नहीं होगा। आपको इसको जैसे प्रैक्टिस मैनुअल ने में किया गया है उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है,
आपको पीएम ही फॉलो करना है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में ये सब लिखा रहेगा और हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, आंसर कुछ डिफरेंस होगा, बस जो एडवाइस होगी वो सेम रहेगी और वो हम जानते हैं कि हमने सही किया, पर पता नहीं पेपर चेक करने वाला जानता है कि नहीं जानता। तो बिना टाइम बर्बाद करे लिख देता हूँ, ये 21 है ना, तो लिख दे। एक्स का मतलब क्या था यार, एक्स का मतलब एम लिमिटेड। तो क्या बोल रहा है, एडवाइस एक्स कंपनी द कंपैरेटिव रिस्क इन टू इन्वेस्टमेंट। शेयर ऑफ एम लिमिटेड इज हायर रिस्की ड्यू टू द हायर स्टैंडर्ड डेविएशन। खत्म। रिसर्च ज़्यादा हो गया आज की क्लास में, पर जरूरी था आपको, ताकि जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो गया कि हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं। दैट्स इट, बहुत हो गया। बाय बाय, थैंक यू।